साथियों, मध्य प्रदेश के विकास के लिए आने वाले कुछ साल बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज पूरी दुनिया से भारत में निवेश आ रहा है, अलग अलग राज्यों में आ रहा है। ये समय भारत को, मध्य प्रदेश को विकसित मध्य प्रदेश बनाने का है, विकसित भारत बनाने का है। इतने महत्वपूर्ण समय में अगर कांग्रेस जैसी परिवारवादी पार्टी हजारों करोड़ों के घोटाले का इतिहास रचने वाली पार्टी वोट बैंक का तुष्टीकरण करने वाली पार्टी को जरा भी मौका मिल गया तो मध्य प्रदेश को बहुत बड़ा नुकसान होगा। भाइयों बहनों, मैं जरा एक सवाल पूछता हूं आपको। मैं कहता हूं जहां जहां कांग्रेस गई है उस राज्य को बर्बाद कर दिया है, क्या आपको लगता है मध्य प्रदेश को भी यही करेंगे वो? आपको लगता है मध्य प्रदेश का भी यही हाल करेंगे? मध्य प्रदेश को बचाना चाहिए कि नहीं बचाना चाहिए? कांग्रेस के हाथों नहीं जाने देना चाहिए ना? लूटने नहीं देना चाहिए ना? तबाही नहीं करने देनी चाहिए ना? कांग्रेस एक बार फिर एमपी को बीमारू बना देगी। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या आप एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? मुझे पूरी ताकत से जवाब चाहिए, क्या एमपी को फिर से बीमारू बनाना चाहते हो? क्या आप एमपी के युवाओं के भविष्य को तबाह करना चाहते हो? क्या आप चाहते हैं कि एमपी के विकास का पैसा कांग्रेस नेता लूट ले?